अस्सलाम वालेकुम रुकलाज, कैसे हैं? आज अपने यूज़ ऑफ दीज एंड दोज़ का इस्तेमाल करना सीखना है। द वर्ड दीज इज़ यूज टू पॉइंट और इंडिकेट द प्लूरल नाउन्स डैट आर नियर अस। ये लफ्ज़ हमारे करीब मौजूद दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होता है। द वर्ड दोज़ इज़ यूज टू पॉइंट और इंडिकेट द प्लूरल नाउन्स डैट आर फॉर फ्रॉम अस। ये लफ्ज़ हमसे दूर मौजूद दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। ये नज़दीक है ना, देखें क्या होगा। दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। अब देखें, ये लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं। ये दूर है ना, ये तो करीब नहीं है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज। दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। अच्छा, अब ये फ्लावर्स जो हैं, देखें ये हमसे दूर हैं या करीब हैं? ये नज़दीक हैं, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दीज। दीज आर फ्लावर्स। और ये स्पैरोज देखें, ये दूर है ना, फासले पर हैं, दूर हैं, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? दोज। दोज आर स्पैरोज, दोज आर स्पैरोज। हाँ जी, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज़, वो लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, ये फूल हैं, क्या इस्तेमाल होगा? दीज, दीज आर फ्लावर्स। और वो चिड़ियां हैं, वो के लिए क्या इस्तेमाल होना है? दोज, दोज आर स्पैरोज। इसी तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और लिखने और याद करने।